अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। और थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर। कल वाले ब्लॉग में आपने बहुत सारी दुआएं दी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या काम जो कि मैंने करना है सेटिंग के हवाले से। तो चलते हैं ऊपर और आपको मैं अपनी बकिया सेटिंग दिखाती हूँ। और ये आ गया दूसरा डब्बे का सेट। डब्बे मैंने जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ही ले लिए हैं क्योंकि डब्बों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फ्रिज की जो है ना अनबॉक्सिंग होने लगी है, ऊपर पंखे को जा लगी है अनबॉक्सिंग। और हमारी अनबॉक्सिंग जो है ना ऊपर पंखे को लग गई है। ये जो है ना सक्सेसफुली आ चुकी है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से जो है ना ये अटैच हो गई है इसमें। तो माशाल्लाह से हमारी ये जगह जो है ना पूरी देखें कंप्लीट हो चुकी है। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। अभी आज हमारा ये चूल्हा जो है ना ऊपर जा रहा है फाइनली। इसकी भी आज ऊपर जाने की बारी आ गई है। रखना है उस साइड पे, उस साइड पे नीचे रख दें अभी फिलहाल। बस ठीक है। अभी जो है ना फ्रिज अंदर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फ्रिज की जो है ना अनबॉक्सिंग होने लगी है, ऊपर पंखे को जा लगी है अनबॉक्सिंग। और हमारी अनबॉक्सिंग जो है ना ऊपर पंखे को लग गई है। तो अब जो है ना अनबॉक्सिंग दूसरे तरीके से होगी। वो वाला अनबॉक्सिंग का तरीका तो फेल हो गया, अब इसका सेकंड तरीका कर रहे हैं देसी जुगाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। इतना बड़ा कस्ता है कि जा ही रहा है अभी तक। वो हिफाजत से जो है ना उन्होंने वो सब कुछ पैक किया हुआ है। हाँ इधर ठीक है, इसको बिल्कुल मिलाना तो नहीं है, साथ थोड़ी सी आगे करेंगे ना। थोड़ा इसकी डबल अनबॉक्सिंग हो रही है असली वाली। अभी इसको पहले चौकी को थोड़ा सा उस साइड पे कीजिएगा। हाँ बस बस ज्यादा उधर नहीं, इधर करें। अभी सलजोर जो है ना अब लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना फ्रिज हमने रख ली है। और ये है इसके अंदर का एरिया दिल खुश कर देने वाला। और ये है इसके बाहर का एरिया। माशाल्लाह से मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी जो है ना बहुत बड़ी फ्रिज हो, जिसमें ह्यूज रेंज हो, जिसमें मैं अपनी हर चीज़ रख सकूं। जैसे मुझे कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, तो मैं चाहती थी मुझे ऐसी फ्रिज चाहिए थी जो बहुत बड़ी हो। तो अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना बहुत बड़ी फ्रिज है, तो इसमें अब मैं आराम से अपनी कुछ भी चीज़ें आइटम वगैरह बना के रख सकती हूँ, मेरे छोटे छोटे ख्वाब।
ये चक्कर आ रहे थे, ये चक्कर आ रहे नो। थोड़ा सा खाया था, रोटी लेने आ गए थे वो लोग, रोटी लेने आ गए थे इसलिए। खाना जल्दी से खा लिया करो ना, फिर ये अपनी ले जाया करो साथ, उधर जाके खा लिया करो, ठीक है। आ चुके हमारे किचन के टूल्स और अभी इनको ऊपर लेके जाते हैं और इनकी थोड़ी जो है ना सेटिंग वेटिंग करते हैं। अभी हस्बैंड को मैंने कहा है, वो साथ जा रहे हैं, तो अभी ये सब चीज़ें उठा लेते हैं। अभी आपको भी समझ नहीं आएगी कि हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी बहन जो है ना पतली हो जाएगी, डेली सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। अरे ये वाली शीट है ना, ये आएगी इसके अंदर। अभी हम इसकी नाप करेंगे और नाप करके सब लगाएंगे। इस तरफ जो है ना मेरे सारे डब्बे पड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ, तो ये डब्बे अब मैं साथ साथ ना इसमें रखती जाऊंगी। ये इस जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें अभी हमने शीट काट के बिछा दी है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड नाप करने में लगे हुए हैं और ये आ गया दूसरा डब्बे का सेट। डब्बे मैंने जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ही ले लिए हैं क्योंकि डब्बों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसी चीज़ है ना जो कि हमारे बहुत इस्तेमाल में आती है। ये देखें, ये खाली जो है ना मैंने डब्बे लिए हैं। इस तरफ हमारे जो है ना ये छोटे डब्बों का सेट है, ये मैं इसको सेट करके रखूँगी। इसके ऊपर ये इसकी एक ये है और इसी के साथ का है ये भी। तो ये मैंने दो सेट मंगवाए हैं, एक ब्राउन कलर में और एक ग्रीन कलर में। तो ये बाकी सारे डब्बे जो है ना मैंने कहा इस तरह जो है ना लाइन वाइज रख दूं, और दो डब्बे ये भी आ गए। अब इसके अलावा इधर जो है ना इस तरह के छोटे छोटे मसाला वाले डब्बे मैं रख दूँगी। मैंने अपनी फ्रिज के लिए ना इस तरह की टोकरियाँ भी ली हैं, इसको ज़रा ट्राई करते हैं कि ये कैसे आती है इसमें। वैसे इसके ऊपर पहले मैं शीट लगाऊंगी फिर इसको लगाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा ट्राई करने के लिए मैं चेक करती हूँ इसको। ये जो है ना सक्सेसफुली आ चुकी है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से जो है ना ये अटैच हो गई है इसमें, और इस तरह की कोई मैंने जो है ना 6-7 ली है। मुझे लगा था ये मज़बूत नहीं होगी, लेकिन ये ना बहुत मज़बूत है इसमें लगने के बाद। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें आराम से रख सकते हैं। जब मैं डब्बे ले रही थी तो मेरे जहन में आया कि ये थोड़ी जो है ना एडवांस चीज़ें हैं, इनको भी ऐड करके देखते हैं ये कैसी लगती हैं। तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको जो है ना ले लिया, और मुझे अभी खुशी हो रही है इसको देख के। जब इसको यूज़ करूँगी तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और ये वाला सामान जो है ना आज इसकी सेटिंग करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से काम होगा। ये मेरे सारे दराज के पार्सल इधर पड़े हुए हैं। तो अभी जो है ना हम इस टॉप का कलर जो है ना चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो में ना ये बहुत पुराना पुराना सा और मैसी मैसी सा लगता है, तो इसीलिए जो है ना मैं ये वाला टॉप अप्लाई कर रही हूँ इस पर शीट लेके। तो अभी हम इसको अप्लाई हमने करना शुरू कर दिया, मैंने और अली हसन ने, इतना हमने कर लिया है और हमें ये पूरा जो है ना कवर करना है। तो माशाल्लाह से हमारी जो है ना आधी शीट बिछ चुकी है, लग चुकी है, और वो लुक कुछ इस तरह से दे रही है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए पूरा इसका जो है ना लुक ही चेंज हो गया। अभी ये शीट ख़त्म हो गई है तो और हम आगे इधर जो है ना दूसरी शीट लगाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारी ये जगह जो है ना पूरी देखें कंप्लीट हो चुकी है।
ये है इसका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब रह जाती है ये वाली साइड, ये देखें, ये मैंने खुद से जो है ना लिया है। मेरे हस्बैंड इतना मुझे रोक रहे थे कि मार्बल तो अच्छी है, तुम क्यों ये लगा रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ चेंज करना है मुझे हर चीज़ में। किचन का नीचे का लुक भी एक था, ऊपर का भी लुक एक होगा तो फिर वो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। इसलिए ना मुझे इसका लुक थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये देखें, ये जो इस पे निशान है ना छोटे छोटे, ये सब निशान ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरफ देखें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइज, आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने शीट लगानी है ना ये वाली, तो आप कैसे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इधर से मैंने इसको पकड़ा हुआ है और इधर से एक और बंदा हमारी हेल्प के लिए है। एक बंदा नीचे से जो है ना दूसरी शीट उतारता जा रहा है। तो इस तरह से जो है ना हमारा काम हो रहा है। तो ये एक बंदे का काम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मेरी बहन ये शीट लगाने का सोच रही है ना, वो ये सोच ले कि वो उसको दो बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। इधर हमारी शीट जो है ना थोड़ी सी खराब हो गई है। आपने ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है ना उतारना नहीं है। अगर आपने उतार दिया तो आप इसको दोबारा लपेट नहीं सकेंगे। तो अभी जो है ना मैं इसको लपेट ली हूँ, दोबारा से लपेट के इसको फिर से सही करेंगे। आज का हमारा व्लॉग इतना ही। और व्लॉग एंड करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरी देखा करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो मेरे घर की सेटिंग शुरू हुई है और जिस तरह का मैं बनाना चाह रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है ना आप लोग देखेंगे। उसके लिए आप सबको जो है ना मेरे साथ रहना पड़ेगा। और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है ना मेरी सेटिंग कैसी लग रही है, या फिर जो मैं सामान ले रही हूँ मेरी चॉइस कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।